एक सच्चे मसीह होने के नाते आप हमारे YouTube चैनल एलोहिम एपोलोजेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। त्रिज्ञा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपका स्वागत करता हूँ। और प्रभु में मैं आपका भाई राहुल जोन। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर हैं और यीशु मसीह 100% मनुष्य भी हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य हैं और यीशु मसीह 100% परमेश्वर हैं। तो ये दो वीडियो आज हम बनाएंगे, लेकिन इस दोनों वीडियो में आज सिर्फ हम एक बात पर चर्चा करेंगे। और मेरा फर्स्ट टॉपिक जो है आज का, वो ये है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य भी हैं। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब हम जानते हैं वचन से, बाइबल से, कि यीशु मसीह 100% मनुष्य किस प्रकार हैं, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूहन्ना 1:1 में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है बाइबल में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और यूहन्ना 1:14 में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वचन देहधारी हुआ, यानी दूसरे शब्दों हम कहें तो वचन जो है शरीर का रूप धारण किया, यानी वचन जो परमेश्वर था वो मनुष्य का रूप धारण करके हमारे पास आया। क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। लेकिन हम यूहन्ना 1:14 में देखते हैं तो हमें बाइबल बताती है कि वचन देहधारी हुआ, यानी वचन शरीर का रूप धारण किया, यानी वचन जो परमेश्वर था वो मनुष्य बन के हमारे बीच में आया। तो साबित होता है कि यीशु मसीह जो पहले परमेश्वर थे, अब वो शरीर रूप धारण करके यानी मनुष्य के रूप में हमारे पास आए। तो यीशु मसीह 100% मनुष्य भी थे। हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 7:14 में, तो यहाँ में बाइबल इस प्रकार बताती है, यहाँ पे लिखा है इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो यहाँ पर हमें देखने लायक है कि पुत्र जनेगी, तो हमें सोचना है कि वो पुत्र जो यीशु मसीह आया वो किस रूप में आया था, शरीर में होकर आया था यीशु मसीह, किस रूप में आया था, शरीर में होकर यीशु मसीह आया था। इसीलिए यहाँ पर साबित होता है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य भी थे। हम पढ़ते हैं लूका की पत्री अध्याय 1:31 में, तो यहाँ में बाइबिल बताती है जहाँ लिखा है देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पुत्र शरीर में होके आया है। यहाँ पर जो मैं बाइबिल बता रहे कि तू एक पुत्र तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो पुत्र किस रूप में आया था, शरीर के रूप में आया था और पुत्र मनुष्य के धारण के रूप में आया था। तो यहाँ पर भी साबित होता है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य भी थे, क्योंकि यीशु मसीह जो बाइबल में परमेश्वर का पुत्र कहा गया है वो मनुष्य का रूप धारण करके आया, यानी शरीर में प्रकट हुआ। तो साफ पता चलता है कि यीशु मसीह 100% मतलब मनुष्य भी थे। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8:23 में, तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह सोए भी थे। यहाँ पे लिखा है पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह सोए भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि यदि यीशु परमेश्वर था तो परमेश्वर तो कभी सोता नहीं है, क्योंकि भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 121:3-4 में लिखा है कि सुन इसराइल का रक्षक ना ओंघेगा ना सोएगा। तो यीशु मसीह सोए इसलिए कि वचन जो परमेश्वर था और वो वचन जो देह के रूप में हमारे बीच में आया, तो परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किए। इसलिए यीशु मसीह जो नाव पर जो अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो परमेश्वर वहां पर सोए, तो सोता कौन है, मनुष्य। इसलिए यहाँ पर भी साबित होता है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य भी थे। और हम देखते हैं मती 4:4 में, तो हमें पता चलता है कि मती 4:4 से कि यीशु मसीह को भूख भी लगा था,
जो जिस प्रकार मनुष्य को भूख लगता है उसी प्रकार यीशु मसीह को भूख लगा था। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4:4 में, यहाँ पे लिखा है वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा तब उसे भूख लगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यीशु को मनुष्यों की तरह भूख लगता है। क्यों? जबकि हम देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 50:17-13 में तो यहाँ पर यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं। तो इस वचन से साफ होता है कि परमेश्वर कभी भूखा नहीं है और ना परमेश्वर कभी प्यासा है। लेकिन यीशु यहाँ बाइबल बता रही है कि 4:4 में कि तब उसे भूख लगा, इसलिए क्योंकि वचन जो परमेश्वर था और वचन देह धारण करके हमारे बीच में आया तो वो मनुष्य के रूप में था, इसलिए यीशु मसीह को भूख भी लगा था। जो जिस प्रकार मनुष्यों को भूख लगा था ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह को भी भूख लगा था। तो यहाँ पर भी साबित होता है कि जीसस इज 100% मैन। और हम आगे देखते हैं यूहन्ना 4:6 में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह थके भी थे। जिस प्रकार मनुष्य थकता है ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह थक चुके थे। अब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री अध्याय 4:6 में, तो यहाँ पर लिखा है और याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग में हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु सामरी स्त्री से मतलब मिलने के लिए जा रहा था तो यीशु मसीह मार्ग में थक चुका था, और जब यीशु मसीह मार्ग में थक चुका था तो वो कुआं पे बैठ गया। और तो फिर ये भी सवाल उठेगा कि परमेश्वर तो थकता नहीं है, क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 40:28 में हम पढ़ने को मिलता है, तो जहां हमें पता चलता है यशायाह 40:28 में, तो यहाँ बाइबल बताती है कि परमेश्वर ना शर्मित होता है और ना थकता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह अपने जब उस मार्ग से जा रहे थे, सामरी स्त्री जहाँ मतलब उस कुएं पर जो मुलाकात करने के लिए यीशु मसीह गए थे, तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह थक भी गए थे। क्यों? इसलिए कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे और यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे और यीशु मसीह खुदा का वचन थे, लेकिन वचन जो देह के रूप में धारण किया तो वो यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ, इसलिए वो मनुष्य होने के कारण यीशु मसीह थके, क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य भी थे। आगे हम देखते हैं यीशु मसीह को प्यास भी लगा था, और परमेश्वर किसी का प्यासा नहीं है लेकिन यीशु मसीह को प्यास भी लगा था। क्यों? हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री अध्याय 4:7 में, तो यहाँ पर लिखा इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह को मनुष्यों की तरह प्यास भी लगा, लेकिन परमेश्वर को प्यास नहीं लगता है। तो साबित होता है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य भी थे, क्योंकि हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 7:13 में, यीशु मसीह कहते हैं क्या मैं बकरे का लहू पीऊं, यानी परमेश्वर जो है वो ना भूखा है और ना वो प्यासा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना 4:7 में, तो यीशु मसीह को प्यास भी लगा था। और हम आगे देखते हैं यीशु मसीह रोए भी थे। जिस प्रकार हम मनुष्य किसी दुख तकलीफ में रोते हैं ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह भी रोए थे, और वो कहाँ लिखा है, यूहन्ना 11:35 में, वहां पर लिखा है यीशु रोया। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह लाजर को जिलाने के लिए जा रहे थे तब बहुत सारे यहूदी लोग जो थे उसे मतलब जब रोते हुए देखे थे यीशु मसीह, आत्मा में व्याकुल होने लगे और यीशु मसीह भी रोए। तो यहाँ भी साबित होता है कि यीशु मनुष्य की तरह रोए, क्योंकि यीशु जो परमेश्वर थे वो वचन जो परमेश्वर का वचन था और वचन देह के रूप धारण किया, तो वचन जो जब देह के रूप में धारण किया तो मनुष्य की तरह हमारे बीच में आया, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर मनुष्यों की तरह रोए हैं, इसलिए यीशु मसीह 100% मनुष्य भी थे। अब हम आगे देखते हैं पहला तिमिथियुस की पत्री अध्याय 2:5 में, तो यहाँ पर हमें बाइबल बताती है कि लिखा यहाँ पे है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यहाँ पर हमें बाइबल साहब बताती है
कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, वो कौन है? मसीह यीशु, जो क्या है? मनुष्य है। तो यहाँ पर भी इस वचन से साबित होता है कि यीशु 100% मनुष्य भी थे। और आगे हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री अध्याय 2:7-8 में, तो यहाँ पर बाइबल में बताती है, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में आया। यानी परमेश्वर होते हुए भी यीशु मसीह किसका स्वरूप किया? दास का। और किसकी समानता में आया? मनुष्य की समानता में आया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी सहली। तो यहाँ पर हमें देखने लायक बात है कि यीशु जो परमेश्वर था और जब शरीर के रूप में यहाँ पर आए, तो यहाँ पर लिखा है मनुष्य की समानता में आया और मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। तो यहाँ पर भी इस वचन से साबित होता है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य भी थे। हम देखते हैं प्रेरित के कार्य अध्याय 17:31 में, तो यहाँ पर हमें बाइबल बताती है, यहाँ लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह, यानी कौन? परमेश्वर, उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित की कर दी है। तो यहाँ पर लिखा है जिसमें वह, यानी किस, कौन? परमेश्वर उस मनुष्य के द्वारा, किस मनुष्य के द्वारा? यीशु मसीह, जो एक मनुष्य भी थे, यीशु मसीह के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक दिन को ठहराया है और वो उस दिन उस मनुष्य के द्वारा, यानी यीशु मसीह जो मनुष्य भी थे, उसके द्वारा भी यीशु मसीह धर्म से जगत का न्याय करेगा। तो यहाँ पर भी साबित होता है यीशु 100% मनुष्य भी थे। आगे हम देखते हैं गलातियों की पत्री अध्याय 4:4 में, तो यहाँ पे लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा, अपने पुत्र को भेजा, लेकिन वो जन्मा किससे? स्त्री से। तो पुत्र जो स्त्री से जन्मा, वो किस रूप में प्रकट हुआ? एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, जो वो कौन था? यीशु, जो मसीह है। तो इस वचन से भी हमें पता चलता है कि यीशु मसीह 100% मैन भी थे। और हम विश्वास करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आप सीखें कि यीशु मसीह जो है 100% मनुष्य भी थे। और आने वाली वीडियो जो हमारा है जीसस इज 100% गॉड, उसमें लगभग बहुत वचन हम आपको बताएंगे और बहुत सारे वचन को बताएंगे जिससे साबित हम करेंगे कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर भी थे। तो आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे, सीखिए और लोगों को सिखाइए और परमेश्वर के वचन में लोलीन बने रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।